स्वागत है आपका। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह है। आपको बता दें कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान ये बयान दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर यह आपत्तिजनक बयान देते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। तब तक मोदी अंद्रे विषद हावितंगे ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ। और उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जैनेन्द्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, इस तरह का आपत्तिजनक बयान सेल्फ गोल माने इसको या ओवर कॉन्फिडेंस, क्या आखिर क्यों क्या कहना चाह रहे थे खड़गे? देखिए निश्चित तौर पर खड़गे तो प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं कर्नाटक, और संभव है कि चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये टिप्पणी की गई है इसका वो जवाब दें, और बीजेपी इस मसले पर घेरने की कोशिश कर सकती है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा आदर्श, गुजरात चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए एक विवादित बयान दिया था और उसका एक बड़ा मुद्दा बना था, तो संभव है कि उसी तरह की एक और स्थिति देखने को मिले। ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया इस पर पार्टी का क्या रुख है ये भी एक बार देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरते घेरते उनकी तुलना विषैले सांप से कर दी है, और इसको इस पर एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। जी, अहम बात आप कह रहे हैं, अब देखना होगा कि इस पर प्रतिक्रिया किस तरह से आती है बीजेपी की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में अब वो भी जाने वाले हैं प्रचार के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, रोटी सही समय पर अगर नहीं पलटी गई तो कड़ी हो जाती है, रोटी पलटने का सही समय आ गया है, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। पवार ने यह भी कहा कि पार्टी नेताओं को आगाह करूंगा कि वो इस पर काम करें। उनके इस बात के राजनीतिक मायने कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि रोटी को सही समय पर पलटना होता है। लगातार अपडेट इन हर खबरों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।